नमस्कार दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल को लेकर। आपको सबको पता होगा, रोजाना रोज इन दोस्तों मैं आपको अपडेट देता हूँ। तो आज कितनी तारीख है आपको सबको पता होगा, आज तारीख है 27 जुलाई। कितनी तारीख है दोस्तों? 27 जुलाई तारीख है। तो आज क्या क्या हुआ ध्यान से सुन लेना, किस किस का पोस्टपोन्ड हुआ, उनको अगली डेट क्या मिली। इसके अलावा मैं बात करने वाला हूँ, आज की तो मैं बात करूंगा ही, इसके अलावा जिन्होंने भी मेडिकल लगाया था उनका फिजिकल कब होगा, जो बच्चे पॉजिटिव थे उनका फिजिकल कब होगा, होगा या नहीं होगा, सभी मुद्दों पे मैं बात करने वाला हूं। इसलिए बोल रहा हूं वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पे यदि पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को दबाकर आल पे जरूर सेलेक्ट कर लेना, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। पहले दोस्तों मैं आज के बता देता हूं कि आज कितनी तारीख है, 27 जुलाई तारीख थी। और आपको सबको पता होगा आज दोस्तों जिन बच्चों का फिजिकल पोस्टपोन्ड हो गया था उनका फिजिकल आज तक कितनी तारीख को, 27 जुलाई को। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे ही बच्चे उपस्थित हुए कितने बजे, 5 बजे उपस्थित ग्राउंड के अंदर प्रवेश हो गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, वजीराबाद ग्राउंड में दौड़ भी कर ली थी, बहुतों ने कंप्लीट कर रही थी। बहुत ग्राउंड में आपको सबको पता होगा वजीराबाद में 4 ग्राउंड है, जिनमें से एक ग्राउंड में दोस्तों बच्चों ने दौड़ भी कर ली थी और हम दोस्तों बैच बन गए थे, दौड़ के लिए दौड़ रहे थे, ठीक है। लेकिन इतने में बरसात आ गई और बरसात के कारण आज के फिजिकल ध्यान से सुन लेना, 27 जुलाई के फिजिकल पोस्टपोन कर दिए गए हैं। अब मैं एक एक ग्राउंड को उठा लेता हूं। पहले बता देता हूं वजीराबाद ग्राउंड के, आपको सबको पता होगा वजीराबाद में दोस्तों 4 ग्राउंड है, चारों ग्राउंड में दोस्तों बच्चों ने प्रवेश कर लिया, एक बैच दोस्तों दौड़ा भी दिया गया था और अगला बैच दौड़ा रहे थे, उसी समय बरसात आ गई और बरसात के कारण फिजिकल नहीं हो पाया और उनको पोस्टपोन कर दिया गया। अब जो वजीराबाद में जो फिजिकल थे आज, उनको तारीख दे दी है अगली दोस्तों कितनी, 30 जुलाई। लेकिन आपको बता दूं, जिन भी बच्चों के फिजिकल आज दौड़ हो गई थी, ध्यान से सुन लेना, जिनका फिजिकल आज था और जिनकी दौड़ हो गई है, अब उनको दौड़ अगले जब पोस्टपोन हो गई 30 तारीख को दौड़ करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुन लेना, अब उनको दौड़ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने दौड़ पास कर लिया है। अब उनको अगला स्टेप दिया जाएगा, जैसे ऊंची कूद, लंबी कूद, हाइट और दौड़, ये नापी जाएगी, अब उनकी दौड़ दोस्तों नहीं होगी। लेकिन ध्यान से ये सुन लेना, जो बच्चे दौड़ के अंदर फेल हो गए अब उनकी दौड़ नहीं होगी, ठीक है, जो फेल हो गए उनकी दौड़ नहीं होगी और जो पास हो गए ना वो अब अगला स्टेप पे जाएंगे। तो मैंने वजीराबाद ग्राउंड का बता दिया आपको, कितनी तारीख मिल चुकी है, 30 जुलाई। अब मैं एनपीएल ग्राउंड की बता दूं, वो यार एनपीएल ग्राउंड में होता, आज के फिजिकल पोस्टपोन कर दिए गए हैं, अगली तारीख मिल गई है कितनी, 2 अगस्त। कितनी दोस्तों, 2 अगस्त तारीख मिल चुकी है। तो आपको बता दूं आज दोस्तों फिजिकल नहीं हुआ, बहुत ग्राउंड दोस्तों वजीराबाद में बच्चों ने दौड़ भी कर ली थी, अब उनको दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने आपको सब कुछ खोल खोल के बता दिया। अब सबसे बड़ा डाउट आ रहा था कि मेरा फिजिकल 28 तारीख को है, मेरे फिजिकल 29 तारीख को है, तो क्या मुझे देने जाना चाहिए या मेरा भी पोस्टपोन हुआ। दोस्तों अभी हम कुछ नहीं कह सकते, ध्यान से सुन लेना, यदि आपका फिजिकल कल है, परसों है, उपस्थित आपको जरूर होना है, कल ही पता चलेगा, ठीक है, कल ही पता चलेगा वो क्या करते हैं, पोस्टपोन करते हैं, क्योंकि दोस्तों कोई पता नहीं है, क्योंकि यदि अब बरसात नहीं होती है ना तो रात रात में वापस से ग्राउंड से पानी बाहर हो जाएगा और ग्राउंड वापस से कल तक तैयार हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूं जिनका भी फिजिकल कल है, परसों है, उनको फिजिकल देने उपस्थित जरूर होना है। कोई पता नहीं कल आपका फिजिकल हो सकता है, लेकिन कोई नोटिस डाल दिया उन्होंने साइट के ऊपर, तो सबसे पहले वीडियो बनाकर आपको उपलब्ध करा दूंगा। इसलिए बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मैंने आपको बता दिया, घर बैठे बैठे ये मत सोच लेना कि मेरा फिजिकल भी पोस्टपोन कर दिया, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मार लेना, आपको फिजिकल देने जाना है, जिस दिन भी आपका फिजिकल है उस दिन आपको उपस्थित जरूर होना है। तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता दूं, जिन्होंने मेडिकल लगाया था उनका बता दूं दोस्तों, जैसे ये पोस्टपोन हुए थे ना बच्चों के फिजिकल, ये फिजिकल कंप्लीट होते हैं, उसके बाद में जिन्होंने मेडिकल लगाया था उनका फिजिकल होगा, और उसके बाद में दोस्तों जो पॉजिटिव थे बच्चा उनका फिजिकल होगा। ऐसे मत सोचो फिजिकल नहीं होगा, आपका फिजिकल जरूर होगा, यदि आप पॉजिटिव थे तो आपका फिजिकल होने वाला है, जब ये पोस्टपोन वालों के फिजिकल हो जाएंगे ना उसके बाद में ये फिजिकल भी होने वाला है। तो मैंने सब कुछ बता दिया आज क्या हुआ, जिनका फिजिकल पोस्टपोन कर दिया गया तो उनका फिजिकल कब होगा, सब कुछ मैंने आपका क्लियर कर दिया। अब भी आपका कोई भी डाउट रह जाता है बेझिझक कमेंट करके मुझे बता देना, जल्दी जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चैनल पे यदि पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को दबाकर आल पे जरूर सेलेक्ट कर लेना, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।